हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ श्री राम पब्लिक स्कूल। मायसेल्फ प्रगति पांडे एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर। सो टुडेज टॉपिक इज जर्मिनेशन ऑफ सीड, द प्रोसेस बाय विच अ सीड ग्रोज इनटू अ न्यू प्लांट अंडर फेवरेबल कंडीशन इज कॉल्ड सीड जर्मिनेशन। एक ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू सीड्स जो होती हैं वो ग्रो करती हैं एक नए प्लांट में जब उनका फेवरेबल कंडीशन होता है। जैसे कि अगर हमें धान को उगाना है, हमें चावल की खेती करनी है, तो हमें गर्मी के मौसम में ही उसकी बीज को लगाना होगा। वहीं पर अगर हमें गेहूं की खेती करनी है तो हमें ठंडी के टाइम में उसकी बीज को बोना होगा। तो ये क्या होते हैं, इनके फेवरेबल कंडीशंस होते हैं, फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन होते हैं। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू जो सीड्स होती हैं वो न्यू प्लांट में ग्रो कर जाती हैं उसको कहा जाता है जर्मिनेशन ऑफ सीड। ये तभी पॉसिबल होता है जब राइट टेम्परेचर, वाटर, एयर और जो नेसेसरी कंडीशंस हैं, मतलब एनवायरमेंटल कंडीशंस जो हैं, जब सब कुछ फेवर में होंगी तभी सीड का जर्मिनेशन हो पाता है। Another important factor for germination is planting the seed at appropriate depth in the soil. कह रहा है कि germination यानी कि seed के grow करने का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारण ये भी होता है कि वो उनको मिट्टी के अंदर कितने नीचे रखा गया है, कितने नीचे उनको बोया गया है। अगर वो ज़्यादा नीचे हैं तो वो अंदर मिट्टी में दबे रह जाएंगे। अगर ऊपर हैं, मतलब एक डेफिनेट डेप्थ पे हैं जहाँ पे उसको वाटर, एयर, सनलाइट सब कुछ प्रॉपर मिल रहा है, तो उनका जर्मिनेशन ईजिली होता है। इफ़ यू प्लांट द सीड टू डीप, अगर आप सीड को बहुत ज़्यादा डीप करेंगे तो वो क्या करेगा, एनर्जी, फूड, ये सारी चीज़ें स्टोर करेगा और ग्राउंड को ब्रेक भी कर सकता है, ब्रेक करके भी निकल सकता है, अदरवाइज वो अंदर बैठा भी रह सकता है। The seed is near the top surface, it may be picked up by the birds. और अगर seed को आप ऊपर ही फेंक दिए हैं ज़मीन पर तो birds हुए और अलग अलग तरह के जानवर उसको feed कर लेंगे, खा लेंगे। Conditions necessary for germination, कौन कौन से condition necessary होते हैं germination के लिए। Three necessary conditions for germination of a seed are, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं water, जो कि एम्ब्रियो के लिए ज़रूरी है, ऑक्सीजन उसके रेस्पिरेशन के लिए ज़रूरी है और फेवरेबल टेम्परेचर उसके ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। वहीं पर जर्मिनेशन जो होती है वो दो तरह की होती है, एक होती है एपिगियल जर्मिनेशन, एक होती है हाइपोगियल जर्मिनेशन। द फर्स्ट टाइप इज एपिगियल जर्मिनेशन, द टाइप ऑफ जर्मिनेशन इन विच The cotyledons are pushed above the ground through the soil to form cotyledonary leaves is called epigeal germination. For example, bean, castor, sunflower and cotton. अगर किसी भी प्लांट में जो सीड्स होती हैं उनको पुश करके, ये सीड थी इसको पुश करके ज़मीन पर लाया गया जिससे ये जो सीड है ये ही ब्रेक करके कॉटिलिडॉन फॉर्म करके ऊपर का शूट प्लांट फॉर्म करे, इस टाइप का जब जर्मिनेशन होता है तो इसको इपीगियल जर्मिनेशन कहते हैं। मतलब जो सीड होती है उसका ऐसा एटमॉस्फेयर होता है जिससे कि वो ऊपर आ सके और उसका जर्मिनेशन आउट ऑफ सॉयल हो और प्लांट की जो लीव्स हैं वो ग्रो करें। तो ये होता है एपिगियल जर्मिनेशन, मतलब जो सीड है उसका ब्रेकिंग होना ऊपर मिट्टी के ऊपर होता है, अंदर जड़ें तो बन जाती हैं लेकिन सीड का ब्रेकडाउन ऊपर होता है जो कि फिर शूट को डेवलप करता है। तो ये होता है एपिगियल जर्मिनेशन। वहीं पर हाइपोगियल मतलब जो सीड्स हैं वो मिट्टी के अंदर थी, प्रेजेंट थी वहाँ पर और उनका जर्मिनेशन उसी के अंदर हो, जैसे यहाँ पे सीड थी, सीड ब्रेक हुई, नीचे से रूट निकल गया, ऊपर शूट निकल गया और सीड यहीं की यहीं रह गई, ऊपर शूट का पोर्शन बढ़ गया, नीचे रूट्स बढ़ गए और आगे चल के ये नया प्लांट बन गया। तो ये होता है हाइपोगियल, मतलब जो सीड है उसका जो ब्रेक डाउन होना है वो मिट्टी के अंदर होता है तो वो हाइपोगियल होता है और अगर मिट्टी के बाहर उसका ब्रेक डाउन हो रहा है तो वो एपिगियल होता है। ठीक है,
Now we have, these are some experiments which we will discuss when our school will be opened. So that's all for your syllabus, that's all for your chapter, sorry. इतनी चीज़ें आपके चैप्टर में डिस्कस की गई थी. हाइपोग्याल जर्मिनेशन में फिर से बता देती हूँ कि जो हमारा सॉयल होता है उसके अंदर ही सीड ब्रेक होती है दो पार्ट में, एक प्लूम्यूल जो कि शूट को बनाता है और एक रेडिकल जो कि रूट को बनाता है. वहीं पर एपिग्याल जर्मिनेशन में जो सीड्स होती हैं उनको पुश करते, वो पुश होती होती ज़मीन के ऊपर आ जाती हैं. उनका जो रेडिकल होता है वो रूट बना लेता है और उनकी जो सीड्स खुद होती हैं वो ब्रेक होकर के उनका जो प्लूम्यूल होता है वो फर्दर शूट के फॉर्म में डेवलप हो जाता है. ये होती हैं टाइप्स ऑफ जर्मिनेशन. यहाँ पर एक्टिविटी है कि किस तरह से किसी भी प्लांट में जर्मिनेशन होता है, तो एक बार क्विक इसको भी हम देख लेंगे, क्योंकि वैसे ये जब तक आप क्लास में और इसको प्रैक्टिकली ना देखें तब तक ये थोड़ा सा मुश्किल है, बट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. एक काम आप कर सकते हैं कि आप अपने घर में इस प्रोसेस, इस मेथड को यूज़ करके आप प्लांट्स को लगा सकते हैं. तो सबसे पहले हम देखेंगे जो बीन्स होती हैं उनके अंदर जर्मिनेशन कैसे होता है. आपको चाहिए कुछ बीन्स की सीड और कुछ मॉइस्ट क्लॉथेस, मतलब गीले कपड़े. प्रोसीजर्स, पुट सम बीन्स इन द मॉइस्ट कॉटन प्लेस इन अ पेट्री डिश. आपको क्या करना है, कुछ बीन्स को एक मतलब मॉइस्ट यानी कि नमी वाले कपड़े के में बांध देना है. जर्मिनेशन अकर्स स्लोली, जर्मिनेशन स्लोली होता है, स्टार्टिंग विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, और वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है. आफ्टर अबाउट 2 डेज, कुछ दिन बाद आप देखेंगे कि रेडिकल जो है, मतलब पेड़ जो बीज होती है, जैसे आप चने को कभी भी भिगा करके रख दीजिए, उसको कपड़े में बांध के रखिए, तो आप देखिए कि उसमें वो अंकुरित हो जाता है, उसमें जो रूट का पार्ट है रेडिकल जो है वो थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगता है, वाइट वाइट लंबा सा. तो वही है, ये आपको एक्सपेरिमेंट करना होगा. आप घर पे अपने चना ले लेंगे या मटर ले लेंगे, उसको भिगा लेंगे रात भर, सवेरे जब मटर आपको मिलेंगे उसको आप किसी गीले कपड़े में बांध करके रख दीजिएगा एक दिन 24 घंटे पूरा, और उसको रखने के बाद जब उसमें वाइट वाइट वो अंकुरित हो जाएंगे, वो निकल जाएंगे उसके रेडिकल्स, फिर आप उसकी फ़ोटो क्लिक करके मुझे सेंड करेंगे. दैट इज़ फॉर योर असाइनमेंट वर्क फॉर टुडे. और एक सेकेंड एक्टिविटी ये है कि आपको बताना है कि वाटर, एयर और फेवरेबल टेम्परेचर ज़रूरी है सीड के जर्मिनेशन के लिए. तो इसको हम स्कूल जब आपका खुलेगा तो हम इसको डिस्कस करेंगे, इसको किया जाएगा. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस. ग्लॉसरी इसको आप पढ़ेंगे, इसको लिख लीजिएगा, और अगले क्लास में मैं आपको इस चैप्टर की सारी एक्सरसाइजेज भेज दूँगी जिससे आप अपनी एक्सरसाइजेज कम्प्लीट कर सकें. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज. थैंक यू एवरीवन.